चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए जब बच्चों जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो यही होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 2/5, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर मैंने लिखा 3/8 तो ये क्या है, प्रॉपर। मैंने लिखा 1/2, इसको भी क्या बोलते हैं, प्रॉपर। ठीक है, अब उसने कहा कि प्रॉपर ऐसे है, प्रॉपर नहीं है, वो है मतलब 5/2, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर है 3/2, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे अब अगर मान के चलिए मैं अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स बनाना हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/2, तो अब क्या करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 4 बच गया 1, तो इस वाले नंबर को लिखेंगे साइड में 2, इसको लिखेंगे ऊपर और इसको लिखेंगे नीचे। अरे मतलब समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल करते हैं, तो जरा सुनना समझ आया। तो अब हम देखिए 7/3, इसको हम बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे 7 को, 3 2 6 1, तो जब का आंसर आया, क्वेश्चन जो आया, इस क्वेश्चन को हम साइड में लिख देंगे, जो रिमाइंडर है इसको हम ऊपर लिख देंगे और जो डिनोमिनेटर लिख देंगे इस डिवाइजर को, सही है 3, तो 2 1/3। अगर एक और देखें, चलिए इसको ट्राई करिए 8/3, चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, द टाइम स्टार्ट नाउ। ओके लेट्स चेक, 3 3 8 4 3 2 6 बच गया 2, तो 2 2/3। अब अगला देखिए 10/7, तो 7 से डिवाइड किया 10 को, 7 1 7 बच गया 3, तो ये जो 1 है ये साइड में और ये 3 1 3/7, सही है, तो 1 3/7। अब क्लास अगर वो कहे कि जो हमारा इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है इससे अगर इम्प्रॉपर बनाना हो मिक्स, मतलब अब उसने दिया ये 1 2/7, इसको खोलना है तो क्या करेंगे, देखो रूल है, डिनोमिनेटर यहाँ से यहाँ तक करेगा मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा वो यहाँ होगा ऐड। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन 1 2/7, तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 7 1 7 और यहाँ प्लस करेंगे तो 7 1 7 और 7 2 9, 9/7। डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। दोबारा 3 2/5, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा साइड वाले में, 5 3 15 आ गया और यहाँ से जो आंसर है इसमें प्लस हो जाएगा 15 + 2 17, तो वो
सेवन डिग्री, और नीचे क्या जाएगा फाइव। सही है। तो अभी तक हमने देखा बच्चों लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। फिर हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में बदलने के लिए हमने डिवाइड किया, और फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बदलने के लिए हमने पहले डिनोमिनेटर से साइड वाले को मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसमें न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया। तो जो आंसर आ गया उसको हमने न्यूमरेटर की जगह रख दिया और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा। ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए, जैसे मान चलिए मैंने फ्रैक्शन लिखा 2/5। अगर मैं ऊपर और नीचे, आई रिपीट, अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 2 4, 5 2 10। तो मैं ये कहूँगा कि 2/5 और 4/10 इक्वल है। पर ये पता कैसे चलेगा हम देखिए, हम ऐसे भी देख सकते हैं 2 और 4, 2 2 4, 5 2 10, तो ये दोनों भी इक्वल है ना, बिल्कुल, मतलब सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर हो रही है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई नीचे हो रही है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो अगर मैं ये ट्राई करूँ कि 5/6 और ऊपर है सपोज 15, तो नीचे क्या आएगा अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो मैंने कहा 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 3 15, तो 6 के टेबल में मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से ही मल्टीप्लाई होगी, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी, तो 6 3 18। ठीक है, मतलब नंबर मल्टीप्लाई वाला सेम होगा। तो अगर हमने लिखा 3/8, तो इसका लाइक फ्रैक्शन क्या हो सकता है, कितने सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने हो सकते हैं, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/16, 3 2 6 8 2 16, या फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, 3 3 9 और 8 3 24। तो जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, हमने 2 से करा तो 3 2 6, 8 2 16, हमने 3 से करा 3 3 9 और 8 3 24, हम 4 से भी कर सकते हैं 3 4 12 और 8 4 32। तो जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे था कि उसने कहा कि 2/5 और 3/15, ठीक है, इनको हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना था। क्या बनाना था, लाइक, ये तो अनलाइक है क्योंकि यहाँ 15 है या 5 है, अब लाइक बनाना है। तो बच्चों ये तो 15 है, अब हमें देखना डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ये 5 है ये 15 है, तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, तो हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दी 3 से, अगर नीचे 3 से तो ऊपर भी किससे होगी 3 से, तो 2 3 6, 5 3 15। अब इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आ गया 6/54, ये है 3/15। ठीक है, तो हमने देखा कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कंपेयर, हम क्या देखेंगे कंपेयर, कि कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया, क्वेश्चन आया 2/7 और 3/7, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कोई काम ही नहीं है, डिनोमिनेटर सेम फिर तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर आप न्यूमरेटर में कंपेरिजन कर दो, या 3 है या 2 है, छोटा कौन सा है 2, बड़ा कौन सा 3, तो जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ या ऐसे वाला, तो 3/7 इज ग्रेटर दैन, हमने कहा अच्छा 5/15 और 2/3 में कौन बड़ा है। अब यहाँ अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर है 15 और यहाँ क्या है 3, जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें डिनोमिनेटर एक जैसे करने हैं। यहाँ देखो क्या 3 के टेबल में 15 आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 बार आता है,
तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे नंबर, इस वाले में इसको हमें कंपेरिजन करना है। ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 5 10, 3 5 15। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम डिनोमिनेटर एक जैसा कर सकें, ताकि हम डिनोमिनेटर एक जैसा कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये नंबर हमारा हो गया 5 बाई 15 और ये हो गया 10 बाई 15। यही तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है, वो बिल्कुल एक जैसी ही है, चाहे आप 2 बाई 3 लिख दो, चाहे 10 बाई 15 लिख दो। अब हमने देखा, अब हमें पता चल गया इसके पास भी 15 है, इसके पास 15 है, लेकिन इसके पास ऊपर 10 है, इसके पास ऊपर 5 ही था, तो ये नंबर हमारा छोटा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा 10 बाई 15, सही है। वरना आप देखो, अगर आप नॉर्मली, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल बच्चे कर देते, क्वेश्चन ये था 5 बाई 15 और 2 बाई 3, आप कहते इसका ये 5 भी बड़ा है, इसका 15 भी बड़ा है, इसका 2 है, इसका 3 है, छोटे नंबर है ना। फ्रैक्शन में धोखा नहीं खाना, फ्रैक्शन में आप कंपैरिजन जब कर सकते हो जब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, फ्रैक्शन में आप कंपैरिजन जब कर सकते हो। आई रिपीट क्लास सुन लीजिए ध्यान से, फ्रैक्शन में आप जब ही कंपैरिजन कर सकते हो जब डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होगा, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं लगा सकते, सही है। ध्यान से समझिए, आपको उनको, उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो एक करना पड़ेगा इक्विवेलेंट के तरीके से, सही है। चलिए देखिए आगे, फिर से हम दोबारा एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ये हो कि 3 बाई 7 और 8 बाई 28 इनमें कौन सा बड़ा है, तो हमने कहा कि यहाँ तो 7 है, यहाँ 28 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 7 को हम 28 बना लेंगे, 7 को क्या बना लेंगे, 28। तो 7 की टेबल में 28 कितनी बार आता है, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28, 4 बार। तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, इस 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, तो 3 × 4 = 12 और 7 × 4 = 28, ये बन गया 12 बाई 28 और ये क्या था 8 बाई 28। तो जाहिर सी बात है नंबर बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 3 बाई 7 इज ग्रेटर देन 8 बाई 28, है ना। मतलब कि हमें बाद में 12 बाई 28 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस समय कंपेरिजन करने के लिए, ठीक। अब हमने कहा कि चलो अब हम देखें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम कंपेरिजन करते हैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग दे लेते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब नंबर छोटा हो, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे आप तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, जब आपके पास बड़ा होगा बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर और बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो अब इसमें क्या करना है, मान के चलिए अब उसने हमें कुछ फ्रैक्शन दिए, 3 बाई 15, 2 बाई 15, 5 बाई 15, 6 बाई 15, ये उसने हमें कुछ फ्रैक्शन दिए और कहा इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो मैंने कहा कि सबसे देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, 15 15 15 15, कंपैरिजन करने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। आई भी कंपैरिजन करने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए हमें हमारा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। पर यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है, हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दिया गया है, तो हमारा एक काम आसान हो गया। अब हम न्यूमिनेटर के बेस पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे, तो हमारा सबसे छोटा वो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो 2 अपॉन 15, उससे बड़ा 3, तो 3 अपॉन 15, उससे बड़ा 5 अपॉन 15 और उससे बड़ा 6 अपॉन 15। लेकिन अब इसने क्या किया, इसने एक नंबर दिया 2 अपॉन 15 और 5 अपॉन 15, 3 अपॉन 5 और 8 अपॉन 15, हमने ये कर दिया। अब ये नंबर भी 15 का डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी 15 का डिनोमिनेटर है और यहाँ पर भी 15 का डिनोमिनेटर है,
लेकिन थर्ड नंबर में डिनोमिनेटर है 5, थर्ड नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 5। अब हमें इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 के टेबल में देखेंगे 15 कितनी बार, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, 3 बार। तो हम नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया 3 3 9 और 5 3 15, 9 अपॉन 15। तो अब सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, ये 2 अपॉन 15, फिर ये वाला 5 अपॉन 15, फिर से छोटा क्या है ये बड़ा, असेंडिंग है, सबसे छोटा 2 अपॉन 15, उससे बड़ा 5 अपॉन 15, उससे बड़ा 8 अपॉन 15, और उससे बड़ा क्या आएगा, ये 9 अपॉन 15, है ना। लेकिन बच्चों जब आप पेपर में देखेंगे तो ये 9 अपॉन 15 ही लिख के देगा, ये ना आपको 9 अपॉन 15 नहीं लिख के देगा, आपको हमेशा ओरिजिनल आंसर देगा 3 अपॉन 5। मतलब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, उसको इससे मतलब नहीं है आपने 9 अपॉन 15 निकाल के सोल्व किया या कैसे सोल्व किया, उसको तो अपने नंबरों से मतलब है, जिसने 3/5 दिया था वो कहाँ पे आएगा, तो वो 3/5 लास्ट में आएगा, क्योंकि हमने सोल्व कर लिया था कि वो 9/15 है, और अगर वो 9/15 है तो सबसे बड़ा नंबर है, और अगर सबसे बड़ा नंबर है सबसे बाद में आएगा, लेकिन हमने 9/15 को 3/5 ही लिख दिया आंसर की वजह से, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि 3 अपॉन 12, 4 अपॉन 3, 5 अपॉन 4, 8 अपॉन 12। अब ये क्वेश्चन था इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे इसको, चलो डिसेंडिंग में लगा, सबको असेंडिंग में लगाएंगे क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा। अब हमने कहा डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग कंपैरिजन करते हुए डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ है 12, यहाँ भी 12 है, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 4 है। अच्छा अब क्या करें, हमने कहा इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, 3 को 12 बनाना है, 3 को क्या बनाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो 4/3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, 3 4 12, तो नीचे बन गया 12 और ऊपर क्या बन गया 4 4 16, और ऐसे ये 5/4 है, इसका डिनोमिनेटर मुझे 12 करना है, डिनोमिनेटर से इक्वल करना है, तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो 4 3 12 हो गया, 5 3 15। अब अगर हम देखें बच्चों तो सबसे छोटा नंबर हमें सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो पहले नंबर पर ये आएगा 16/12, दूसरे पे आएगा 15/12, तीसरे पे आएगा 8/12, और चौथे पे आएगा 3/12, यही बात है ना, बिल्कुल इतना समझ में आपको, क्योंकि सबसे छोटा भाई है 3/12 वाला। लेकिन अभी मैंने आपको क्या रहता, पेपर में आपको उनके ओरिजिनल नंबर लिखने हैं, ये 15/12 या 16/12 आप लिख सकते हैं, 16/12 लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये तो हमने निकाला है, तो इसका असली नंबर क्या था, 4/3 था ना, तो 4/3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, उससे छोटा 15/12 है, 15/12 का असली नंबर क्या था 5/4, थर्ड नंबर पे क्या है ये 8/12, और फोर्थ नंबर पे क्या है 3/12। कंफ्यूज नहीं होना है, जो नंबर उसने पेपर में दिए थे हमने वही लिख दिए, सो आंसर हमें अपने हिसाब से देना है, अपने हिसाब से देना है, मतलब कि 15/12 के हिसाब से देना है, 16/12 के हिसाब से देना है, लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे वो वाला जिसका वो जिस जो क्वेश्चन में था नंबर 4/3 था या 5/4 था, सही है, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान, अब दो चार क्वेश्चन हम करेंगे अभी तो आपको समझ में भी आएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ बच्चों, जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को और इससे जो पार्ट वन वाली वीडियो है उनको, मतलब आप जो हमने लाइक फ्रैक्शन वाली करी थी, इनको आप एक एक दो दो बार देखें, दो दो बार इन वीडियो को देखें और कॉन्सेप्ट लिखें, जितनी बार आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे तब आपको आ जाएगा फ्रैक्शन, एक्चुअली फ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, फ्रैक्शन डिफिकल्ट नहीं है बट फ्रैक्शन में नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। तो हमने अब तक जो जो चीज़ें देख ली
हमने देखा लाइक फ्रैक्शन, लाइक क्या होता है, डिनोमिनेटर आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक होता है, अनलाइक फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर अनलाइक भी है तो हम मल्टीप्लाई करके उसको लाइक बना सकते हैं। फिर हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर हमने देखा इम्प्रॉपर, फिर हमने देखा मिक्स, फिर हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स, फिर हमने देखा कन्वर्जन, मिक्स टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स। मिक्स मतलब हमने इम्प्रॉपर को मिक्स बनाने के लिए डिवाइड कर दिया था और मिक्स को इम्प्रॉपर बनाने के लिए हमने ऐसे मतलब पहले मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर साइड वाले और साइड वाले से प्लस कर दिया था, वो ऊपर लिख दिया था, है ना, ये कन्वर्जन हुआ। फिर हमने देखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो भी देखा था हमने कि ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो वो इक्वल हो जाते हैं। और हमने अभी क्या देखा, अभी हमने देखा कंपैरिजन, और साथ ही हमने देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सारे टॉपिक हम फ्रैक्शन में कर चुके हैं। अब हम फ्रैक्शन में ऐड देखेंगे, सबट्रैक्ट देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे, डिवाइड देखेंगे, ये चार चीज़ हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि और क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं फ्रैक्शन के, ऐड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई के लिए। मैंने बच्चों एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ मैं समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं, यहाँ नहीं मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ उतनी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। तो बेटर जो इसको देखने के बाद आप एक बार वो वाली वीडियोस भी देख लेना, फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आएंगे। और ध्यान रखिएगा, ओलंपियाड वही बच्चा क्रैक कर सकता है, वही बच्चा यहाँ पर मेडल्स ला सकता है, जो बच्चा अच्छे से, जो बच्चा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पे कमांड करे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, तरीके सीखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ऐड, लाइक फ्रैक्शन। आज हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना देखेंगे। बहुत सिंपल है, 5/3 प्लस 2/3 लाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो 5/4 7/3 सिंपल। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 2/5 प्लस 1/5 तो 3/5 आंसर, सही है। अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करें, 5/3 डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5/3 माइनस 2/3 तो 3 कॉमन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 5 - 2 गया, 3/3 आंसर। अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर आ जाए तो आप उनको काट के मन भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, 2/7 - 1/7 तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा 7 और ऊपर माइनस हो जाएगा 2 - 1। ये बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/3 सिंपल सा। बच्चों देखो, मल्टीप्लाई में थोड़ा ध्यान रखना है। अब तक हमने जो ऐड किया, ऐड में डिनोमिनेटर हमने सेम रखा, सिर्फ न्यूमिनेटर में ऐड हुआ, सब्ट्रैक्शन में भी यही हुआ, डिनोमिनेटर नीचे झुका हुआ रह गया, और जो भी कंपैरिजन हुई वो ऊपर वालों में हुई। याद रखना, माइनस और प्लस में डिनोमिनेटर सेम रहता है, माइनस और प्लस में डिनोमिनेटर सेम रहता है, याद रखना ये बात। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, माइनस और प्लस में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, वो वही रहता है आंसर। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई में ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, तो 5 - 10 और 3 - 9 सिंपल।
अब देखो यहाँ 9 आ गया, अगर ये ऐड होता तो यहाँ 3 आता डिनोमिनेटर में। ये देखिए, ये चीज देखिए दोबारा से, अगर 4/5 + 3/5 करना है मुझे तो डिनोमिनेटर मेरा सेम रहेगा, रिपीट 5 का जो 5 ही रहेगा और 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 4/5 × 3/5 करना है तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और मैं नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करूँगा, 5 × 5 = 25। देखिए डिफरेंस देखिए, ऐड करते वक्त बच्चों डिनोमिनेटर सेम रहा, नीचे डिनोमिनेटर में 5 ही रहा, ऊपर ऐड हुआ 4 और 3 = 7। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर भी मल्टीप्लाई हुई और नीचे भी मल्टीप्लाई हुई है, याद रखना ऐड में और सब्ट्रैक्ट में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, ऐड और सब्ट्रैक्ट में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, पर मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में भी चेंज होता है और न्यूमरेटर में चेंज होता है। ठीक है, याद रखिए बात, प्लीज इसको लिख लीजिए नहीं कर। नेक्स्ट डिवाइड देखिए, ठीक है डिवाइड में देखिए, मान लीजिए मैं करना है 5/3 / 2/3, इसमें रूल रट लो, क्या करो सर रट रहा है, मैंने भी रटना है, हाँ रटना है, आई रिपीट रटना है, क्या रटना है, डिवाइड फ्रैक्शन के डिवाइड में इस डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई और इसका कर दो रेसिप्रोकल, इसका क्या कर दो सर रेसिप्रोकल, ये क्या वर्ड बोल रहे हैं रेसिप्रोकल, अरे रेसिप्रोकल का पलट दो, हिंदी में क्या कहते हैं पलट दो, हिंदी में क्या कहते हैं इसको पलट दो, ठीक है रेसिप्रोकल कर दो तो, और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है 3/2, बहुत सिंपल है, मतलब हमारा क्वेश्चन था 5/3 / 2/3, ये क्वेश्चन था हमारा, तो हम क्या करेंगे, तो सर ये 5/3 जो रहेगा, हाँ पहले वाला जो रहेगा और डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और सेकेंड वाले टर्म का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, पलट दिया हमने 3/2 कर दिया, तो अब मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई सर अभी वही चलेगा, अब तो डिनोमिनेटर अलग अलग हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता डिनोमिनेटर क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल वही है सामने की सामने मल्टीप्लाई नीचे की नीचे, तो 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6। चलो एक आधा क्वेश्चन और भी देखते हैं, मतलब 4/7 / 3/7, तो फर्स्ट टर्म तो जो भी रही 4/7 / बन गया मल्टीप्लाई और 3/7 इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 7/3 ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे 7 × 3 = 21। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम जो हमारी फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट वीडियो है बच्चों, अभी हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की दूसरी वीडियो भी देखेंगे पार्ट टू। हमने ऐड देख लिया, सब्ट्रैक्ट देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, डिवाइड देख लिया, लाइक अनलाइक पता नहीं क्या चीज़ें देख ली, मैंने सारी जगह लिखी दिखाता हूँ, बोलता हूँ क्या लिखी, ये लिखी लाइक अनलाइक, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे सिर्फ एक चीज़ और देखेंगे, एक दो 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 बस बस दो दो डन कर, एक हम देखेंगे कटिंग, कटिंग सर कटिंग चाय, अरे कटिंग चाय नहीं कटिंग है, काटना फ्रैक्शन कट 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 करना पीस पीस करना, और तो कटिंग देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि अगर हम हमें आंसर दिया हो और क्वेश्चन पूछा है फिर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं तक रखेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कटिंग, कटिंग ऑफ फ्रैक्शन, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो इतनी बड़ी हुई है फिर चैप्टर कब आएगा, अच्छा देखो चैप्टर तो आप कर लोगे, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पर पहले आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए ना, तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है चलिए ओके अब बाय।